देखिए, हम मैंने सबसे पहले इस आम को आपको दिखा दें जो लास्ट में लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए सीताफली है, उसके बाद वहाँ पर भी सीताफली है, यहाँ पर भी सीताफली है। ये जो सीताफली है ना, वो ग्राफ्टेड है, पूरी सूख गई थी, अभी नई पत्ती आ गई। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा अंगूर का पौधा है, ये अमरूद का पौधा है, ये भी अमरूद का पौधा है, और ये सीताफली है, ये भी सीताफली है। 5-7 साल बाद तो हमारा जो बॉर्डर है ना आम की, एकदम बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 5 साल में तो सभी में फ्रूट आ जाएंगे। और उस टाइम तक तो हम देखिए, अभी यहाँ पर है ड्रमस्टिक, यहाँ पर अमरूद है, और यहाँ पर है क्या बोलते हैं उसको, अनार। तो अभी ये अनार है ना, तो फिर हम यहाँ पर एक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर तो है, मतलब जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ भी हम लगाएंगे। मोरिंगा तो है ही सभी जगह, पर उसकी जगह अगर किसी दो के बीच में कहीं नहीं होगा तो हम वहाँ पर भी लगा देंगे। अभी वो भी हमने सोच रखा है, मतलब कि यहाँ एक और दो और तीन पेड़ होंगे टोटल। यहाँ यहाँ तो फुल प्लांट है, यहाँ पर किसी की जगह ही नहीं है, देख सकते हैं आप। आगे देखिए, आगे बहुत जगह है, यहाँ तो मोरिंगा देखिए आप कितने पास है, यहाँ पर नारियल ही है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी जगह है, यहाँ पर कुछ आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ये टमाटर कितने सारे हैं, अभी टमाटर थोड़े बड़े हो रहे हैं, देखिए आप, ये टमाटर काफ़ी बड़ा हो गया और अभी काफ़ी सख्त है। इसमें हमने खाद का पानी डाला, जो देसी खाद है ना उसका। उसके बाद ये मैंगो, ये ग्राफ्टेड अमरूद, उसके बाद ये जामुन, एक बनाना, उसके बाद ये ग्राफ्टेड मैंगो। ओह माय गॉड, यहाँ पर गड्ढा था और मुझे चोट लगी, पैर में से आवाज़ आ गई, और जैसे कुछ लकड़ी हम तोड़ते हैं ना वैसी। उसके बाद यहाँ पर ये एक और केले का पौधा है, आगे चलते देखिए, यहाँ केले के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर एक आएगा, फिर यहाँ पर भी एक आएगा, तो तीन प्लांट यहाँ आ जाएंगे। फिर ये अंगूर है, अंगूर के बाद देखिए यहाँ पर एक आएगा पेड़ पौधा, उसके बाद यहाँ पर दूसरा, फिर यहाँ पर सीताफली है, और यहाँ पर नींबू है, पर नींबू के बाद कोई नहीं, तो यहाँ पर एक आएगा पौधा, उसके बाद यहाँ पर आएगा दो, आएंगे यहाँ पर तीन हो जाएंगे, काफ़ी सारे प्लांट मर गए। फिर ये नींबू के बाद यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक आएगा, फिर वो गुटली वाला मैंगो है, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ पर भी अमरूद है, यहाँ पर मीठे नीम को हम हटा देंगे, सॉरी कड़वे नींबू, और यहाँ पर भी कुछ लगा देंगे। हमें सारे बॉर्डर पे सिर्फ वही चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, फ्रूटिंग प्लांट। तो देखिए धनिया में कैसे फ्लावर आ गए हैं, और वैसे टमाटर भी बहुत अच्छे आए हैं, देख सकते हैं आप, बैंगन भी आ गया है, और आगे ये नीम का पौधा है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर।